हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे, जहां पे हम सारे एजुकेटर्स आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। तो गाइस, प्लीज एंड प्लीज हमारे वीडियोस के नीचे आप कमेंट किया करिए, अपने सजेशन, अपने रिकमेंडेशन, आप क्या चाहते हैं हमसे, प्लीज हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके हिसाब से अपने चैनल को डाइवर्सिफाई कर पाए और आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश करें। तो गाइस, अगर मैं बात करूं तो आज हम पढ़ने वाले अप्रैल के क्वेश्चंस, अप्रैल दन में। और अच्छा, हाँ, हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे आजकल रात में एमसीक्यूज भी कर रहे हैं आपस में क्वेश्चन आंसर, तो आप इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है जीए बाई अभिजीत सर। और गाइज, मेरे दो पेड बैच चल रहे हैं, एक पेड बैच बैंक जनरल अवेयरनेस का आने वाला है फॉर आईबीपीएस पीओ। तो अगर आपको मेरे पेड बैच ज्वाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल ये केवल करंट अफेयर्स का है, ये केवल बैंकिंग का है, और तीसरा कोर्स मिक्स बैग वाला आएगा, मतलब उसमें करंट भी होगा, मतलब कंप्लीट हमारा प्रिपरेशन फॉर आईबीपीएस पीओ कंप्लीट। तो आप वो कोर्स भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरे अनअकैडमी पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बेस्ट बैच होगा, ये मेरी गारंटी है, और जो आपको आपके इंटरव्यू तक हेल्प करेगी। अगर आप ये बैच मेरा ज्वाइन करते हैं आईबीपीएस वाला, तो मैं आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराऊंगा, भले वो कोर्स में ना हो, मैं आपको पर्सनली कराऊंगा, बट मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है गाइस। चलिए, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद गाइज, आपके पास ये चूज योर गोल के ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको केवल मेरे कोर्स ज्वाइन करने हैं, तो यहां पर बैंक एग्जाम लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। बैंक एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे गाइज, तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, जिस पेज में आपको ये बताया जा रहा है कि आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज देखिए, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आते हैं, आप जो भी फीस पे करें, वो फीस आपके लिए इतनी हेल्पफुल होगी कि आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर जितने भी एजुकेटर हैं, उन सारे एजुकेटर के कोर्सेज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप सोचिए जरा कि आपको एक ही जगह पे टॉप 10 एजुकेटर्स मिल जाए क्वांट के, टॉप 10 मिल जाए रीजनिंग के, टॉप 10 मिल जाए इंग्लिश के, आपको और क्या चाहिए? आप जो पैसा खर्च करते हो दूसरों के बुक्स लेने के लिए, स्पीड टेस्ट लेने के लिए, वो सब पैसा आप बचाइए ना। आप पैसा केवल ऐसी जगह निवेश करिए जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, और एजुकेशन इंडस्ट्री में वो केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, जो है अनअकैडमी प्लस। हम लोग जब छोटे थे, हम लोग छोटे का मतलब जब हमारे पास पैसे हुआ नहीं करते थे और हम लोग प्रिपरेशन करते थे, तो हमको लगता था कि यार हम दिल्ली चले जाए, लखनऊ चले जाए, कानपुर चले जाए, जहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल वीकनेस हम जा नहीं पाते थे। लेकिन आपके लिए वो सारी चीजें खत्म हो गई, इंटरनेट आने से सारी बाउंड्री लाइन खत्म हो चुकी है, और सबसे बेटर यह है कि आपको सारे एजुकेटर अनअकैडमी प्लस पे मिल जाएंगे। आप चाहे बैंक के लिए आओ, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीएससी, एमपीपीएससी, किसी के लिए आप आइए, सबके लिए आपको एजुकेटर मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखिए, अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, तो आपको कम से कम 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसका फायदा यह मिलता है, आपने 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए ज्वाइन कर लिया, तो 1 साल तक उन सारे एजुकेटर से आप पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई मॉर्निंग में क्लास ले रहा है, कोई नाइट में क्लास ले रहा है, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल मैनेज कर पाओगे, अपने हिसाब से। एजुकेटर के फ्री लेसन्स भी मिलेंगे आपको, पेड भी मिलेंगे आपको, कंटेंट मिलेगा। एजुकेटर हर अपने कोर्स में वीकली क्विज कराते हैं, वो भी आपको मिलेगा, मेगा क्विज भी आपको मिलेगा, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। देखिए, अब आप 1 साल के लिए अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको मेरा कोर्स तो मिलेगा, मेरे साथ साथ और भी जो जीए के बेस्ट एजुकेटर हैं, उनका भी कोर्स मिलेगा, मैथ के उनका मिलेगा, सबका मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब ये फीस है, और आप अगर क्लिक करते हो तो आपको फीस देनी पड़ती 6000। लेकिन गाइस, मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करते हैं मतलब आपको डिस्काउंट चाहिए, तो जब आप इस पर कंटिन्यू करोगे ना, तो ये पेज खुल के आएगा, जहां पर आपको ये एएम लाइव कोड डालना। अगर आप ये अप्लाई करते हो गाइस, तो आपकी फीस कम होके ये 6000 से कितनी हो जाएगी, 5400। तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, आपका फायदा है, हमारा भी फायदा है। तो गाइस, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अच्छी बात है, नहीं लिया है तो ले लीजिए। और अगर आप ले चुके हैं, आपके कोई फ्रेंड सर्किल में कोई है, कोई आपके भाई बहन कोई भी है जो आपसे कंसल्टेंसी मांगता है, तो जरूर इस कोड का बारे में बताइए। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आपको एएम लाइव कोड याद रखना है, और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूंगा, अगर आप बिगनर हैं, आपको लगता है कि आपको टाइम चाहिए और अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है। एएम लाइव कोड डालने पर देखिए, अभी आपको 9600 का ये पड़ रहा है, लेकिन एएम लाइव कोड डालने के बाद आपकी जो ये फीस होगी ना, ये फीस कम होकर कितनी हो जाएगी, 8640 रुपए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने,
पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या, यहां पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन रिसेंटली रिप्ड इनटू अफ्रीकन नेशन ऑफ मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड मलावी, और इसका आंसर क्या होगा। इडाई तो आपको पता है, ये पढ़ाया भी गया आपको पहले भी। तो अप्रैल मंथ के हम रिवीजन की बात कर रहे हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच फर्म रिसेंटली लॉन्च एंथोस, अ न्यू ओपन क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यूजर रन एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर। एंथोस की हम बात कर रहे हैं, एंथोस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फाइव ऑप्शंस। अच्छा प्रोफेसर, चलिए अब आंसर दीजिए, मैं हट गया ऑप्शन के सामने से। और अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गूगल, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए। गाइस याद रखिएगा, हमारे देश की जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी केवल और केवल चार लोग चलाते हैं। कौन कौन? एक चलाता है आरबीआई, एक चलाता है सेबी, एक चलाता है एडा, और एक चलाता है पीएफआरडीए। ये हमारे देश के चार फाइनेंशियल रेगुलेटर है, आरबीआई बैंकों का, सेबी कंपनीज का, एडा इंश्योरेंस का, और प्रफर्डा पेंशन कंपनीज का। ठीक है, द पेंशन रेगुलेटर प्रफर्डा विल सून फ्रेम गाइडलाइंस टू ब्रिंग क्लैरिटी ऑन द एफडीआई पॉलिसी इन द पेंशन सेक्टर। द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द प्रफर्डा इज, ये आपसे पूछा गया है, और आपको इसका इनका नाम बताना है। क्या इनका नाम है देख लीजिए, और आंसर इज हेमंत कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली आस्क्ड द आरबीआई टू एक्सप्लेन हाउ दिस कंपनी वॉज ऑपरेटिंग इट्स पेमेंट सर्विसेज इन द कंट्री विदाउट टेकिंग एनी अप्रूवल और लाइसेंस। यानी ये कंपनी किस तरह से हमारे देश में पेमेंट सर्विस कर रही है विदाउट टेकिंग एनी अप्रूवल और लाइसेंस। वी हैव फाइव ऑप्शंस। क्या आपका आंसर होगा इसमें देखते हैं। आशीष झा बेटा, ये अप्रैल मंथ का है, मैंने बोला था पहले भी, ठीक है। और प्रपेश सर बोल रहे हैं गूगल पे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गूगल पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लेम द टॉप स्पॉट विथ एन एवरेज AUM ऑफ रुपीज 3.42 trillion। आंसर दे गाइस, AUM का मतलब क्या होता है, ये क्या आप लोग बताते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि इतना पैसा इसके पास है जिसने कस्टमर का, जो इसने निवेश किया यहां वहां। और यहां पे प्रियंका बोल रही है HDFC, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। अमाउंट याद रखिएगा 3.42 trillion। नेक्स्ट पॉइंट, विराट कोहली हैज बीन नेम्ड विजडन लीडिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018, हु हैज बीन नेम्ड द लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018, पूनम यादव, स्मृति मंधाना, वेदा कृष्णमूर्ति, मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर। वी हैव फाइव ऑप्शंस। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए गाइस और बताएं, गर्ल्स जरूर इसका आंसर दें। वर्षा बेटा देखिए देखिए इसका मतलब समझिए, जो आपने पढ़ाई किया, मान लीजिए वर्षा, हम गाइस दो मिनट लूंगा मैं आप लोग का। देखिए, हाँ आंसर देख लीजिए, स्मृति मंधाना। देखिए मैं कैसे पढ़ता था करंट अफेयर्स, मैं आपको बताऊं। देखिए डेली करंट अफेयर्स की बात की बेटा, मंडे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेज बनाया हुआ था, एक कॉपी बनाई हुई थी, और उस कॉपी मैंने क्या किया था, पहले पेज से लेके 10 पेज तक अपॉइंटमेंट, 5 पेज नेशनल, 5 पेज इंटरनेशनल, 11 पेज से 15 पेज तक बुक्स एंड ऑथर, 16 पेज से 20 पेज तक MOUs, then index, then GDP projections, इस तरह से मैंने पहले ही इंडेक्स बनाया था। तो जब मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ता था, अब जैसे मान लीजिए कोई सर पढ़ा रहे सामने, उन्होंने एक न्यूज स्पोर्ट्स का दिया, एक बुक्स एंड ऑथर का दिया, एक नेशनल अफेयर्स दिया, तो कहने का मतलब मैंने एक साथ नोट्स नहीं किया, मैंने क्या किया, बुक्स एंड ऑथर वाली नोट्स उठाई, क्वेश्चन उठाया, पॉइंट आया, और बुक्स एंड ऑथर में लिख दिया, MOU वाला MOU में। तो इस तरह से मेरे पास अपने नोट्स हो गए बिल्कुल टॉपिक वाइज। अच्छा अभी क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि मैंने आज पढ़ा, आज मंडे, आज मेरा मैंने देखा कि 2 पॉइंट इंडेक्स के थे, 2 पॉइंट GDP के थे, 2 पॉइंट स्पोर्ट्स के थे, 2 पॉइंट अपॉइंटमेंट के थे।
मैंने आज पढ़ा दिन में सुबह, रात में मैंने सोने से पहले रिवाइज कर लिया और मैं सो गया, मैं अगले दिन फिर पढ़ा। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैं ट्यूसडे की बात कर रहा हूं, ट्यूसडे को मैंने फिर से नोट्स बनाए और जब मैं रात में सोने गया तो मैंने ट्यूसडे का तो पढ़ा ही पढ़ा, मैंने मंडे का भी पढ़ा ताकि मुझे वो रिवाइज रहे। देन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को मैंने रिवाइज किया तो मैंने मंडे का भी किया, ट्यूसडे का भी किया, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, और सैटरडे आते आते मतलब ये हुआ कि मुझे पूरा वीक का रिवाइज करना था। तो पूरा वीक का मैंने मंडे को इतनी बार रिवाइज कर लिया, ट्यूसडे को इतनी बार कर लिया कि मैं भूलूंगा ही नहीं। तो डे बाय डे रिवीजन, वीक बाय वीक रिवीजन, मंथ बाय मंथ रिवीजन, ये इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है और आपको एक टाइम देना पड़ता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम क्वांट और रीजनिंग में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि करंट अफेयर्स को हम वो टाइम नहीं दे पाते रिवीजन का जो हमें देना चाहिए। हमें लगता तो है कि हम एक घंटा डेली दे रहे हैं, लेकिन उस एक घंटे में आपने जो पढ़ा और उसे कितना आप ग्रैप्स कर रहे हो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में सोने से पहले एक बार चीजों को रिवाइज जरूर करिए, जरूर करिए। आप जब रात में सोने जाते हैं आप मन में रिवाइज करिए, मत कॉपी खोलिए। आपको वो चीजें ज्यादा टाइम तक लर्न होती हैं, ये तो साइंटिफिकली रिसर्च है। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ता था और आपको भी पढ़ना चाहिए ऐसे ही ताकि आपको याद रहे सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करणम शेखर की बात करें, हमको मालूम चल गया ये किस बैंक है, कई बार क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आंसर इज इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर वन। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुरली रामेश्वर स्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। मुरली रामास्वामी की हम बात कर रहे हैं, आंसर दे गाइस। एंड द आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, देख लीजिए, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10। दिस टीम वॉन द अवार्ड फॉर टीम ऑफ द ईयर एट द रिसेंट ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड। वी हैव फाइव ऑप्शंस, व्हाट इज योर आंसर गाइस? और अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा? आंसर इज वुमेन्स टेबल टेनिस टीम, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। वेरी गुड पंकज, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ए शंकरा नारायण हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक। हम आर ए शंकरा नारायण की बात कर रहे हैं और वी हैव फाइव ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? वर्षा, एब्सोल्युटली आपको फायदा इससे काफी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट, द आर्मी ousted and arrested President Omar Al Bashir in which of the following country recently? Omar Al Bashir की बात कर रहा है। और गाइस अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सूडान, ऑप्शन नंबर 2। बेटा प्रिया सिंह, ये बेटा ये तो हमारा रिवीजन है और ये हम अप्रैल मंथ का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने आज जो करंट अफेयर्स पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन हम कल पढ़ते हैं रिवीजन, हमारे वो CA में ही इंक्लूड होता है, अलग से नहीं होता बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, द विकीलीक्स फाउंडर जूलियन अंसाचे वॉज अरेस्टेड रिसेंटली इन लंडन। ही वॉज बीन लिविंग फॉर 7 years इन लंडन इन द एम्बेसी ऑफ दिस कंट्री। और इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए यहां पर, और इसके आंसर की हम बात करें, और इसका आंसर क्या है? इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर 4। इक्वाडोर इज राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। दिस कंट्री विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर। ये तो आपको पता है, कई बार ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले भी, और इसका आंसर क्या होगा? अगर आंसर की बात करें, इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिस पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द VC ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइस चांसलर पोस्ट एट जामिया। We have 5 options. Answer the guys. क्या इसका आंसर होगा? मैं फिर से सेट कर रहा हूं वरना मेरे ऊपर आरोप लगना शुरू हो जाता है। We have 5 options. Answer please.
बिल्कुल सही. एंड द आंसर इज नजमा अख्तर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस कंट्री इज द पार्टनर कंट्री फॉर द 25th एडिशन ऑफ द CIIDST टेक समिट शेड्यूल टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2019. द 25th एडिशन ऑफ द CIIDST टेक समिट का पार्टनर कंट्री कौन है, ये आपसे पूछा गया. वी हैव 5 ऑप्शंस. आंसर दे गाइस. और आंसर की बात करें, अभी तक तो कोई आंसर नहीं आए हैं फिलहाल. और प्रियंका बोल रही है नीदरलैंड. आरआरबी पीओ का एक क्वेश्चन भी है. और आंसर की बात करें, आंसर इज नीदरलैंड. ऑप्शन नंबर 1. गाइस एक बात मैं आपको बताऊं, ये मैं पहले भी करा चुका हूं. अगर आप पहले करके याद नहीं किए और एग्जाम में आ गया तो मेरी गलती बिल्कुल भी इसमें नहीं है, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पेस क्राफ्ट नेम्ड बैरशीट क्रैश्ड ऑन टू द मून रिसेंटली आफ्टर अ सीरीज ऑफ टेक्निकल फेल्योर्स ड्यूरिंग इट्स फाइनल डिसेंट. द स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च बाई. अगर आप लोगों ने इस बार चंद्रयान मिशन देखा होगा तो ये देश भी बड़ा परेशान था कि भैया हमारा भी खोज दो, हमारा भी खोज दो. ये देश कौन सा? जी हां, ये देश है इजराइल. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The 2019 Spring Meeting of the IMF and the World Bank Group was held during the week of April 8 to 14 in which place? तो Spring Meeting की बात हो रही है IMF and the World Bank Group. इनकी मीटिंग कहां पर हुई? जिनेवा, बाली, लीमा, वॉशिंगटन, टोक्यो. गाइस सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं सर. एंड राइट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. राशिद खान बैक द लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम विजडन रिसेंटली ही प्लेस फॉर. तो आपको पता है राशिद खान जो है ये अफगानिस्तान के स्पिनर हैं. ये अभी इन्होंने एक कीर्तिमान हासिल किया है ICC टेस्ट टीम में. अभी तक के ये यंगेस्ट कैप्टन बन गए हैं. ठीक है, चलिए आइए गाइस आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20th की बात करते हैं. तो IMF की बात करें तो IMF ने इंडिया की ग्रोथ रेट देखी है तो ये तो पुरानी बात हो चुकी है, ये तो पुरानी बात हो चुकी है. आपको रिसेंटली में IMF की ग्रोथ रेट क्या प्रेडिक्ट की है वो बताना है. ठीक है, ये अप्रैल का, ये आपको नहीं बताना है. जी अगर IMF की बात करें इट्स 7%. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. संजीव शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ. संजीव शर्मा किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं नए, ये आपसे पूछा गया. वी हैव 5 ऑप्शंस. देखते हैं आप लोग के आंसर क्या आएंगे. क्वेश्चन नंबर 21 गाइस, मैं हट जा रहा हूं साइड और आराम से देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है. और अगर आंसर की बात करें, आंसर इज महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. राजेश कुमार यदुवंशी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट दिस बैंक. राजेश कुमार यदुवंशी किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, ये आपसे पूछा गया है. वी हैव 5 ऑप्शंस. ये रहे हमारे पास बैंक्स और आपको इसके सही आंसर देने हैं. अभी तक आंसर नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं. और अगर आंसर की बात करें गाइस, आंसर इज PNB. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच कंट्री अवॉर्डेड इट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल टू PM नरेंद्र मोदी रिसेंटली. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हम सबको याद होगा इसका आंसर ना, हम सबको इसका आंसर याद होगा. आंसर दे जरा. फ्रांस, जर्मनी, रशिया, स्वीडन, नॉर्वे. क्या आंसर होगा? जी हां बिल्कुल सही, आंसर इज रशिया. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कंप्लीटेड 100 ईयर रिसेंटली. इट टुक प्लेस ऑन अप्रैल 13, 1919. और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है.
याद आप सबको होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आइए गाइस आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिसेस ऑफ, नहीं ये नहीं पढ़ना है, ये क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये फरवरी का डेटा है, आपके एग्जाम में इतना पूरा डेटा नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली वोटेड अनएनिमसली टू कंप्लीटली एंड इट्स पीस कीपिंग ऑपरेशन इन दिस कंट्री। ये कौन सी कंट्री है? हैती, म्यांमार, थाईलैंड, चाड और सूडान। वी हैव फाइव ऑप्शंस। और इसका आंसर होगा हैती, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूएन यूएन हैज अवॉर्डेड कन्याश्री परकल्पा स्कीम, प्रकल्पा स्कीम और विच स्टेट गवर्नमेंट विच इज हाईएस्ट पब्लिक सर्विस अवार्ड। द स्कीम इज एम्ड एट प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन। पंकज वेरी गुड, पवन गुड मॉर्निंग। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पॉपुलेशन ग्रू एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ व्हाट परसेंट बिटवीन 2010 एंड 19 टू 1.36 बिलियन अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यानी भारत की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो 2010 से लेकर 2019 तक जो है वो कितने परसेंट पर ईयर बढ़ी है, ये आपको बताना है, जो अभी राइट नाउ 1.36 बिलियन है। और पंकज पंत बोल रहे हैं 1.2, प्रियंका बोल रही है 1.2 एंड द आंसर इज 1.2%, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एलिस डी वैद्यन हैज बीन अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंडन इन रिकॉग्निशन ऑफ हर वर्क टू प्रमोट इंश्योरेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूके। शी इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड एमडी ऑफ विच कंपनी, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर भी देना है। क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए। एंड द आंसर इज जीआईसी री। तो जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरर कंपनी की ये एमडी है एलिस जी वैद्यन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंडका एलिफेंट सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट। नियरली आफ्टर 4 decades बैम्बू राइस शोन अप हियर रिसेंटली। तो 40 सालों में पहली बार बैम्बू राइस दिखा है यहां पर, और चंडिका एलिफेंट सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, ये किस स्टेट में, ये आपको बताना है। चलिए गाइस आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा? प्रोफेसर बोल रहे हैं ओडिशा, वैशाली बोल रही है ओडिशा, और आंसर की बात करें गाइस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ओडिशा सही आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हांगकांग। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने देख लीजिए। द डीओटी रिसेंटली अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिसेंटली अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ टाटा टेली सर्विसेज कंज्यूमर मोबिलिटी बिजनेस विथ विच कंपनी। आपको इसका आंसर देना है गाइस। चलिए और इसका आंसर होगा भारतीय एयरटेल, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, आंसर दीजिए फास्ट। के शिवा रेड्डी हैज बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स
टाइटल्ड पक्का की ओटिगिल्टा ही इज ये कौन से पोएट हैं, किस भाषा के पोएट हैं, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका सही आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या है? और यहां पर सुष्मिता बोल रही है तेलुगु, सुब्राशीष ने अभी मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भी भेजी है ना सुब्राशीष, और इसका आंसर क्या होगा? तेलुगु पोएट, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समूह साथी स्कीम ठीक है एम्ड एट डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइसाइकिल टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड 12th स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। चलिए जी हां, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नाम क्या है? जीन माइकल लैपिन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। वी हैव 5 ऑप्शंस, क्या इसका आंसर होगा गाइस? एंड द आंसर की बात करें, आंसर इज हैती, ऑप्शन नंबर 5, हैती इज राइट आंसर। वेरी गुड पंकज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रजौरी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर टू पे होमेज टू द ब्रेव मार्टियर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर लिबरेशन ऑफ रजौरी फ्रॉम द पाकिस्तानी इन्फ्लेटर्स। वी हैव 5 ऑप्शंस, और अगर आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर पहला कौन देता है वो मैं चेक कर रहा हूं केवल। सुष्मिता बोल रही है 23, सुरभि बोल रही है 13, प्रोफेसर बोल रहे हैं पास, और इसका आंसर क्या होगा? 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके ओके 13 अप्रैल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू स्पीसीज ऑफ एंशियंट ह्यूमन होमो लुजोनेसिस वॉज डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली। और आंसर की बात करें गाइस, आंसर क्या होगा? आंसर इज फिलीपींस, ऑप्शन नंबर 1, फिलीपींस इज राइट आंसर। जी हां, नेक्स्ट क्वेश्चन, वा लोन एंड क्या सो ओ हैव वन 2019 यूनेस्को गिलमर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज, बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विथ विच मीडिया फर्म, और ये लोग म्यांमार के निवासी हैं। रोहिंग्या क्राइसिस पर इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आर्टिकल्स लिखे थे, इनको जेल में डाल दिया गया था, हालांकि फिर 6 महीने के बाद इनको निकाल दिया गया वर्ल्ड का प्रेशर पड़ने की वजह से। और ये लोग रॉयटर्स ऑप्शन नंबर 2 के मीडिया के थे। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। वी हैव 5 ऑप्शंस, वेरी गुड पंकज, बहुत अच्छे, वेरी गुड प्रियंका, दो तीन ही लोग हैं जो मेरी बात को याद रखते हैं। मैंने हमेशा बोला जब भी किसी देश का नाम आपके सामने आए, आप कोशिश करें उसकी कैपिटल करेंसी कमेंट करने की, आप लोग भूल जाते हैं ना हमेशा। आंसर इज 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2019 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप। हम चाइनीज की बात कर रहे हैं, आंसर क्या होगा? और आंसर की बात करें गाइस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3, लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर 3, लुइस हैमिल्टन इज राइट आंसर। प्रोफेसर तभी तो याद होगा ना बार बार, आप बिंदास कमेंट करें जो भी आपको याद आता है, उसके बाद सही है या गलत है वो तो आपको कमेंट करके मालूम चल जाएगा, और कभी आप भूलेंगे नहीं फिर उसका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जिलेट बुरका वुमेन्स रेस एंड अब्रा मिला
men's race won the 43rd edition of the Paris Marathon recently. Both of them belong to. अच्छा मैं यहां मुझे याद आ गया ठीक है. अनन्या वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे. चलिए आंसर दीजिए. प्रियंका बोल रही है इथोपिया. सुष्मिता बोल रही है इथोपिया. प्रियंका बोल रही है फ्रॉम यूके. अच्छा इसके पहले वाला बोल रही होंगी इथोपिया. एंड द राइट आंसर इज इथोपिया. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. मीना कुमारी मिश्राम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स. शी वॉन गोल्ड मेडल इन कोलेजिन जर्मनी रिसेंटली. मीना कुमारी किस खेल से बिलोंग करती हैं? इन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता, ये आपसे पूछा जा रहा है. जी प्रोफेसर जी. सुनील बोल रहे हैं शूटिंग. केवल सुनील का ही आंसर आया है अभी. अन्वेषा बोल रही है शूटिंग. रमेश चंद्र बोल रहे हैं बॉक्सिंग. सुष्मिता ठीक है शूटिंग. एंड द राइट आंसर इज बॉक्सिंग. ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. आयुष वेरी गुड. नेक्स्ट. इंडिया विल बिल्ड अ कैंसर हॉस्पिटल इन केन्या इन कोलाबोरेशन विथ जापान एंड विल पार्टनर विद द यूएई टू सेटअप एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच कंट्री. यानी बताया गया कि इंडिया एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है केन्या में इन कोलाबोरेशन विद द जापान एंड विल पार्टनर विद द यूएई टू सेट एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर भी बना रही है. कहां बना रही है आपसे पूछा गया. सुनील बोल रहे हैं घाना. रिचा अच्छा बॉक्सिंग पहले ही बना ठीक है. यहां पे घाना आंसर ज्यादा आ रहा है. एंड द आंसर इज इथोपिया. ऑप्शन नंबर 5. और प्रियंका ने इथोपिया बोला था. प्रियंका ने इथोपिया बोला है भाई अभी तक बस. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस कंट्री इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड फॉरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट AI एवरीथिंग टू एम्पावर ग्लोबल डायलॉग ऑन द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एंड सोसाइटी. वी हैव 5 ऑप्शंस. और सुनील बोल रहे हैं यूएई. प्रोफेसर बोल रहे हैं यूएई. प्रियंका बोल रहे हैं यूएई. और इसका आंसर अन्वेषा बोल रहे हैं यूएई. एंड द आंसर इज यूएई. ऑप्शन नंबर 2. यूएई इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. भूटान विल सून रेक्टिफाई बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव फॉर रोड एंड रेल कनेक्टिविटी. हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान. बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल. देख लीजिए आंसर क्या होगा. We have 5 options. अब प्रोफेसर आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है. आपने बोला है तो सही बोला होगा. और इसका आंसर क्या होगा. लोटे टिशरिंग. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एस एफ आई ओ अरेस्टेड रमेश सी बावा एक्स एमडी एंड सीईओ ऑफ ILNFS फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. द टर्म एस एफ आई ओ मीन्स. एस एफ आई ओ का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपसे पूछा गया. और इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपको नहीं पढ़ना है. हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल विच एम्स एट क्रिएटिंग अ पूल ऑफ स्किल कैंडिडेट वन द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अंडर द एजिस ऑफ UN रिसेंटली. देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं ये पॉइंट. ये केवल एक मतलब वो है रिविजन टाइप का है आपके लिए. और इसका आंसर क्या होगा. उत्कर्ष बंगला. ऑप्शन नंबर 2. उत्कर्ष बंगला इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान द हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर इज अवॉर्डेड बाय. तो सरस्वती सम्मान किसको मिला ये क्वेश्चन तो हो चुका हमारा. तो ये सम्मान कौन देता है ये आपसे पूछा गया है.
और आंसर की बात करें, आंसर इज के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. के बिरला फाउंडेशन इज राइट आंसर गाइस. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 51. द गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल मेडिकल डिवाइसेस टू गेट CDSCO सर्टिफिकेशन. इन द टर्म CDSCO लेटर एस स्टैंड फॉर. और फुल फॉर्म बताओ तुम लोग, स्टैंडर्ड तो बोल लेते, फुल फॉर्म बताओ जरा भाई. स्टैंडर्ड आप लोग बता रहे हो तो फुल फॉर्म भी याद होगा आप लोगों को तभी ना. CDSCO में एस का फुल फॉर्म आप लोग बता ही रहे हो, यानी कि आप लोगों को फुल फॉर्म पता है. बताया जरा फुल फॉर्म. बताया, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट का. नेक्स्ट, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रजनेश गुनाश्वरन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स. ही रोज टू कैरियर हाई रैंकिंग ऑफ 80 रिसेंटली. प्रियंका बोल रहे नो सर तुक्का, वेरी गुड. प्रियंका छत्रे नहीं पता, वेरी गुड, बहुत अच्छे. दो लोगों ने बोला नहीं पता, स्टैंडर्ड तुक्का मार दिया. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. पंकज पंत, क्या ये तुमने गूगल पे सर्च किया बेटा? और इसका आंसर टेन से, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. अन्वेषा ने तो चेक किया ही है. इंडिया अनाउंस देयर 15 मैन स्क्वाड फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है. तो देखिए, ये तो आईसीसी वर्ल्ड कप खत्म हो चुका हमारा, और आपको बताया क्या इसका आंसर होगा. ऋषभ पंत टीम में नहीं थे, लेकिन बाद में फिर टीम में आ गए थे. नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रेज्ड अलार्म ओवर अ 300% इंक्रीज इन द केस ऑफ विच डिसीज ग्लोबली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 कंपेयर्ड विथ 18. 300% इंक्रीज, बापरे. आंसर दीजिएगा. वी हैव 5 ऑप्शंस. इसका आंसर क्या होगा? ट्यूबर, इसका मीजल्स है. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. मीजल्स इज राइट आंसर. मीजल्स, मीजल्स, नॉट टीबी, मीजल्स. नेक्स्ट पॉइंट, द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट इज शेड्यूल्ड टू बी प्लेड. तो ये तो हमको पता ही है, इंग्लैंड में. चलिए आगे बढ़े, ये भी नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैसिव फायर गटेड नोट्रे डैम कैथेड्रल सिचुएटेड इन विच सिटी रिसेंटली. It is one of the landmark of the city. तो हमको ये पता है, अगर हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी हैं. और इसका आंसर पेरिस हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट रिसेंटली आस्क गूगल एंड एप्पल टू टेक डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्लीकेशन from their app store after the Supreme Court refused to stay an earlier order by the Madras High Court to ban the app. अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही क्वेश्चन शायद एग्जाम में भी आया था ना. अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था ना, शायद आरआरबी के एग्जाम में. फिलहाल इसका आंसर टिकटॉक है. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं, हाँ, द 2019 SCO समिट विल बी हेल्ड इन बिश्केक इन जून. बिश्केक इज द कैपिटल सिटी ऑफ. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर किर्गिस्तान. अच्छे बच्चों की तरह मुझे करेंसी भी बता दो. बहुत मार तुम लोग खाओगे यार, सब लोग इतनी बात चिल्ला चिल्ला के यार मेरा सांस फूलने लगा है.
मैं धीरे धीरे बुढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरे बाल सफेद हो गए चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन तुम लोग के आंसर आने शुरू नहीं हुए अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ 150 इंडियन पीस कीपर सर्विंग विद द यूएन मिशन इन साउथ सूडान हैव रिसीव मेडल्स ऑफ ऑनर, द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ सूडान इज। सोम। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जुबा, ऑप्शन नंबर 5, द साउथ सूडान जुबा। एंड करेंसी मुझे जरूर बताइए, करेंसी क्या है इसकी, मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट, द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली कंडेम्ड अ डिसीजन बाय द यूएस टू ओपन द वे ऑफ लॉसूट्स इन अमेरिकन कोर्ट्स ओवर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड बाय विच कंट्री। आंसर आपको देना है, हाँ प्रवेश सर बिल्कुल सही ट्रिक आपको याद है मेरी, हाँ यूकेलेस। और इसका आंसर क्या होगा? यहां पर प्रियंका बोल रही है सीरिया, ठीक है, नायक बोल रहे हैं वेनेजुएला, प्रोफेसर बोल रहे हैं वेनेजुएला, एंड द आंसर इज क्यूबा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, तो क्यूबा हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हमको ये पता है इसका आंसर क्या होगा, है ना? हाँ, क्यूबा हवाना पेसो, वेरी गुड। और ये आंसर की बात करें, आंसर इज मिथाली राज, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, वेरी गुड। नायक जी नहीं, विराट कोहली नहीं थे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्चर एट दिस यूनिवर्सिटी रिसेंटली प्रिंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट 3-डायमेंशनल वैस्कुलराइज्ड इंजीनियरिंग हार्ट यूजिंग अ पेशेंट ओन सेल एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स। अन्वेषा बोल रही है येल, प्रोफेसर बोल रहे हैं टेल अवीव, सुनील बोल रहे हैं MIT, सुष्मिता बोल रही है स्किप, एंड द आंसर इज टेल अवीव यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। प्रियंका डिलीट मत करो, देख लिया बेटा, देख लिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, लेनिन मोरेनो इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। लेनिन मोरेनो, फिलहाल आंसर इज इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक रिसेंटली लॉन्च पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर NRI। आंसर देगा जल्दी से, और इसका आंसर होगा IDBI बैंक, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बैंक हैज रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ ग्रुप फाइनेंस विद द बैंक। तो आपको पता है, मैंने कई बार पढ़ाया भी है कि ग्रुप फाइनेंस बैंक, अन्वेषा मेरी निगाहें टिकी है तुम्हारे ऊपर, और शाम को भी टिकेंगी अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना राहुल, हेलो बेटा। और इसका आंसर क्या होगा? बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर 1, बंधन बैंक इज राइट आंसर। राजन बोल रहे हैं कि FB पर जो फोटो लगाया है लगता है मारोगे किसी का। राजन भाई मिर्जापुर के हैं तो रुआब तो रहेगा ही चेहरे पर, लेकिन आई एम वेरी जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षिल जानी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, ही क्लिंच डच इंटरनेशनल टाइटल रिसेंटली। And the answer is badminton, option number 5 is right answer. Next question, the 2019 G20 summit is scheduled to be held in June in which country? तो आपको पता है कि, अच्छा जरा मुझे बताइए कौन सा एडिशन था ये G20 का कौन सा एडिशन था? या नवेशा, या लेट्स सी हु विल रॉक।
तो ये ओसाका ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर बेटा. सऊदी वैशाली इसके बाद होगा ना. फोर्टींथ और फिफ्टींथ कहां पर होगी? तो वो सऊदी, वो सऊदी, हाँ वो होगी नेक्स्ट 2020 वाला बेटा है ना. नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन बैंक्स क्लॉक्ड व्हाट परसेंट ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 19? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 13.23% है. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT हैज लॉन्च अ 5G यूज केस लैब फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर. द IDRBT इज एन आर्म ऑफ, तो ये IDRBT किसके अंडर में काम करता है ये आपसे पूछा गया है. देखते हैं इसका आंसर आप लोग दे पाते हैं कि नहीं दे पाते. जी हाँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाली बॉडी है IDRBT, द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, केंटो मोमोटा हु वॉन मैन सिंगल टाइटल ऑफ द 2019 सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट. द विनर ऑफ द वुमेन सिंगल टाइटल वॉज, वुमेन को बताइए आप लोग. आंसर की बात करें ताइपे ताई तजुयिंग, तो ताई तजुयिंग जो ताइपे की हैं वो जीती हैं. तो ये नाम ताई तजुयिंग है, ठीक है ध्यान देना. पांचवा, वर्षा का एग्जाम कब है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, द पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन इन द US. इट इज अवॉर्डेड बाई, तो यह सिंपल सी बात है फिर भी देख लेते हैं आंसर क्या होगा आप लोग का. पुलित्जर प्राइज बेसिकली जर्नलिज्म लिटरेचर और म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए भी दिया जाता है, याद रखिएगा. एंड द आंसर इज कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर थ्री कोलंबिया. हाँ अजीश वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट आर्म्ड एम्बिफिशियस ड्रोन बोट, बेसिकली मरीन लिजार्ड इसका नाम है. आई थिंक आप लोग अब इसका आंसर दे लेंगे आराम से. ठीक है वर्षा, मैंने कमेंट देख लिया, आपने डिलीट कर दिया वैसे. तो बेटा आप अपने एग्जाम से 6 महीने पहले तक का तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको. And the answer is China. Option number 4 is right answer. Next question. Bihu is one of the most important festival celebrated in the state of. तो ये तो हमको मालूम ही है बिहु की बात करें. अगर बिहु की बात करें वर्षा, अभी तक तो आप टारगेट बनाइए कि आपको पूरा 30 अक्टूबर तक का पढ़ना है from April. Answer is Assam. Next question. India's first interactive exotic bird park at the SL World Bird Park was inaugurated in which of the following cities recently? अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मैं यहां गया था. चलिए फिलहाल आंसर देखते हैं. सुनील बोल रहा है मुंबई. एंड द आंसर इज मुंबई. बिल्कुल, जो ये कौन सा था ना, संजय गांधी नेशनल पार्क है उस, मतलब नवी मुंबई के पास में ही है. तो ये जब हुआ था ना तो मतलब बहुत हम लोग गए थे, बहुत बढ़िया जगह थी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर SK शिव कुमार पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिनाउंड. तो पद्मश्री अवार्डी हैं SK शिव कुमार, इनका निधन हो गया. ये क्या थे ये आपसे पूछा गया. हाँ प्रोफेसर, बहुत पहले ही आता था.
स्कूल को भूली मैं, टीचर को भूली कितना बड़ा है मेरा झूला, याद है कुछ? एंड द आंसर इज स्पेस साइंटिस्ट. नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? And the answer is 18 April. Next question. Which country will host G20 summit in 2020? तो 20 वाला अभी हम उस पर बात कर चुके हैं पहले से ही, है ना? और ये सऊदी अरेबिया है. Next question. Three Indian have made it to be Time 100 Influential People of the Year 19 list. One of them is Mukesh Ambani and the other two Menaka Goswami and Arundhati Karju are by profession. ये क्या है? ये आपसे पूछा गया है? जी हाँ, ये दोनों lawyers हैं. Option number 3 is right answer. Next question. The Finance Ministry is looking at innovative real estate investment trust (REIT) model for sale of land asset of CPSEs. अब यहां पे CPSEs का मतलब क्या होगी आपको बताइए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो REIT आर रेगुलेटेड बाय, तो REIT एक तरह का ट्रस्ट है, मतलब म्यूचुअल फंड वाली बात यहां पर हो जाती है. और तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैंने आपको इशारों बात कर ली है, आंसर दीजिएगा जरा. एंड द आंसर इज सेबी. वाई RBI प्रियंका? मैंने बेटा बोला ना पूरा कि ये जो REIT है ये एक तरह के ट्रस्ट है. प्रियंका अगर आपने मेरा पेड बैच पढ़ा है तो मैंने आपको म्यूचुअल फंड ने पढ़ाया होगा कि एक ट्रस्टी होते हैं, वो लोग बनाते हैं, AMC को हायर करते हैं शायद. नहीं नहीं NHB नहीं. नेक्स्ट पॉइंट, स्पॉन्सर देन ट्रस्टी देन म्यूचुअल फंड. नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस कैलनेट मॉडल बैंक 2019 अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर रीडिजाइनिंग लैंडिंग टू रीच स्मॉल बिजनेसेस. पंकज पंत बोल रहे हैं फिनकेयर, अजीश बोल रहे हैं फिनकेयर. क्या इसका आंसर होगा? आंसर इज फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेपाली सेट 1 इनटू स्पेस रिसेंटली. द सैटेलाइट वॉज लॉन्च विद द हेल्प ऑफ, अब नेपाली सेट की बात भी कर लें, रावण सेट की बात भी कर लें, मतलब नेपाल और श्रीलंका दोनों के सैटेलाइट को हेल्प किसने किया था? ये किया था US ने. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. गांगुली साहब नहीं, ये US है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ रिसिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक 2019 कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज बाई इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव रिसेंटली इन विच कंट्री? आंसर दीजिएगा. भवेश भाई बहुत टाइम के बाद. और आंसर की बात करें प्रियंका, कोई बात नहीं, मैसेज डिलीट तुम लोग क्यों करते हो जी, देख तो मैं लेता हूं. एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, इटी मनी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप टू इंटीग्रेट UPI. हियर द टर्म UPI मीन्स, यहां पे UPI का मतलब क्या है? इटी मनी के बाद भारत पे ने किया था, याद रखना. भारत पे ने सलमान खान को फिर ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था. हाँ, सौरभ गांगुली बने विस प्रेजेंट, ठीक है. और आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन विच ईयर अ रेयर एरिया ऑफ कॉपरेशन बिटवीन रशिया एंड द US इन दिस ईयर हैज बीन ऑर्बिटिंग द अर्थ सिंस. मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब बना, ये आपसे कब बना, ये आपसे पूछा गया.
एंड द आंसर इज 1998 ऑप्शन नंबर थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स. ही रीगेन्ड द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट इन द गेम रिसेंटली. आपको इसका सही आंसर देना है. और आंसर की बात करें इसका आंसर क्या होगा, एंड द आंसर इज रेसलिंग ऑप्शन नंबर फाइव. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर सोमिये लोउ बुबिये मैगा रिजाइन रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. और इसका आंसर क्या हो जाएगा, माली ऑप्शन नंबर फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बैंक हैज अपॉइंटेड कौशिक शपारिया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर इंडिया टू सक्सीड रवनीत गिल. वैसे रवनीत गिल यस बैंक में जा चुके हैं. और इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ड्यूश बैंक ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट पॉइंट, दिस कंट्री लॉन्च इट फर्स्ट सैटेलाइट रावण वन इन टू स्पेस रिसेंटली. तो वही हम जो बात कर रहे थे, तो श्रीलंका ने लॉन्च किया, श्रीलंका की हेल्प यूएस ने ही किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पर्सन इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड एज द रॉयल सोसाइटी फेलो इन 360 ईयर्स. वी हैव फाइव ऑप्शंस. And the answer is Gagandeep ji, Gagandeep Kang, option number 5 is right answer. Next question, what is India's ranking on the World Press Freedom Index 2019? Answer dijiyega. And the right answer is 140th, option number 3. Novel top key. Next question. Dekh lijiye, the World Press Freedom Index 2019 is topped by. So answer aap log de hi rahe hain iska. Iska answer kya hoga, novel option number 1. Next question. A site containing 220 million year old fossils remain of dinosaurus was discovered in Argentina recently. The capital of Argentina is. 220 million purana ek fossil mila hai dinosaur ka Argentina mein. Aur Argentina ka capital kya hai, ye aapse puchhi gayi hai. Mere khayal se sabko ye pata hoga, Buenos Aires and peso is the currency. The RBI has put into circulation 50 rupees denomination bank note signed by its present governor. तो 50 रुपए का नया नोट आया है और इस पर साइन किसका हुआ है, इस पर साइन हुआ है आप लोग जानते हैं, शक्तिकांत दास जी का. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज इंपोज अ फाइन ऑफ रुपीज 1,76,000 यूरो ऑन विच कंट्री फॉर नॉट ऑनरिंग द प्रो लीग कमिटमेंट. और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट पेड्रो पब्लो कुजिंस्की वॉज सेंटेंस टू 36 मंथ ऑफ प्रिवेंटिव प्रिजन इन विच कंट्री रिसेंटली. और आंसर की बात करें पेरू. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली रिज्यूम अ चाइना बैक्ड रेल लिंक प्रोजेक्ट एट अ न्यू कॉस्ट ऑफ 10.6 बिलियन यूएस डॉलर.
एंड द आंसर इज मलेशिया, ऑप्शन नंबर 5. मलेशिया इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंडम वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली टू अप्रूव द रूल ऑफ प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी. और आंसर की बात करें इजिप्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. इजिप्ट इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास. तो गाइज एएम लाइव कोर्ट याद रखिएगा, आईबीपीएस पीओ के लिए एक बैच आएगा अभी, उसके बाद आईबीपीएस क्लैरिकल के लिए बैच आएगा और ध्यान देना है आपको. आपको इस कोड के थ्रू एडमिशन लेना है. अगर आप ले चुके हैं तो अच्छी बात है, आप इस कोड को आगे स्प्रेड करिए. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. आपने हमारे सेशन को लाइक किया, थैंक यू उसके लिए. सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद. अगर नहीं किया तो कर लीजिए गाइस. हमारा जो अपना चैनल है, जो हमारा आपका चैनल है, अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट. ठीक गाइस, हम कल फिर मिलेंगे और कल फिर मिलकर हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे अपने 9 AM पे करंट अफेयर्स की. और कल फिर हम अप्रैल या मई या जून कोई भी एक मंथ उठाकर 100 क्वेश्चन फिर से करेंगे. थैंक यू सो मच. सुभाषीष अभी आया है बेटा, एक्चुअली मेरे पास 5000 लिस्ट पूरी हो चुकी है तो देखते हैं, इसलिए हो नहीं पाता किसी का जल्दी. थैंक यू गाइस.